संवाद होता है। गुटबाजी की खबरों के बीच दोनों में संवाद, मीडिया के सामने दोनों नेताओं में संवाद हुआ। गुटबाजी पर विराम की कोशिश मगर सवाल बरकरार। कपड़े फाड़ने वाला बयान वायरल हो रहा है। कमलनाथ ने कहा था कि दिग्विजय के कपड़े फाड़ो। वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट काटने पर घेराव हुआ था। वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ का घेराव किया था। बयान के बाद कमलनाथ ने हंसी वाले अंदाज में सफाई पेश की है। दिग्विजय सिंह से मेरे संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का संबंध है। एबी फॉर्म में जिसके दस्तखत उनके कपड़े फटेंगे, ये बयान दिग्विजय ने दिया। तो एबी फॉर्म पर पीसीसी अध्यक्ष के दस्तखत दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है। तो कमलनाथ ने अब सफाई पेश कर दी है। जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। तो फांसी के